सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद। सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन अवर चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में आपको डिसाइड नेटवर्क का एक आईपी क्लैम दिखाने वाला हूं। बेसिकली लोकल चैनल के लिए आप यूज कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको चैनल के साथ साथ ट्यूनर की फैसिलिटी है, स्क्रैम्बलर कर सकते हैं, साथ ही मॉड्यूलेटर भी अवेलेबल है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, जैसे ही मैं मॉड्यूल 1 पे आया हूँ, यहाँ पे चार चैनल का बेसिकली ये सपोर्टिव डिवाइस है, जिसमें चार चैनल आप ट्यून कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक फ्रीक्वेंसी सेटेलाइट फ्रीक्वेंसी ट्यून कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चैनल का फ्रीक्वेंसी ट्यून करना चाहते हैं उसका फ्रीक्वेंसी सिंबल रेड डाल सकते हैं, यानी कि चार चैनल और एक फ्रीक्वेंसी पे जितने एफटीएच चैनल उन सभी को इस डिवाइस के जरिए ट्यूनर में आके पास कर सकते हैं। और यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, क्वालिटी सिग्नल दिखने लगेगा। उसके बाद टीएस कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आपको मॉड्यूल 1 में जो इनकोडर के चार चैनल है वो आपको दिखेंगे, और ट्यूनर पे जो ट्यून करेंगे जो फ्रीक्वेंसी सिंबल रेट आप डालोगे उसका डेटा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद चैनल पास कर सकते हैं, चैनल को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे सर्विस नेम लिख सकते हैं, उसका सर्विस आईडी दे सकते हैं, सारा कुछ पैरामीटर सेट कर सकते हैं। स्क्रैम्बलर में आने के बाद चार कैश सपोर्टिव है डिवाइस, जो भी चैनल है इसका ECMG MMG ऐड कर सकते हैं, एक्सेस क्राइटेरिया बना सकते हैं, AC टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर बनाने के बाद बेसिकली ये जो डिवाइस है दोस्तों लोकल एंड पे लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एयरसेम डिवाइस 32 TS का भी अवेलेबल है, लेकिन ये बेसिकली 4 TS का है। और यहाँ पे आप चार चैनल के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं चार मॉड्यूलेटर, यानी कि चार फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पे इस डिवाइस के जरिए शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली एक LCO के नए प्रोजेक्ट में इसको डिवाइस यूज किया गया है। डेट से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके लिए भी डिसाइड कंपनी ने ऐसा प्रोजेक्ट ला दिया है, ऐसा डिवाइसेज आ चुके हैं कि एक ही डिवाइस में इनकोडर भी कनेक्ट हो जाएगा, एज ए IRD भी यूज कर सकते हैं, चैनल को लॉक भी कर सकते हैं, चैनल पास कर सकते हैं, IP आउट भी करा सकते हैं, साथ में इसमें लोगो भी इंसर्ट कर सकते हैं, कैप्शन डाल सकते हैं, QR कोड इंसर्ट कर सकते हैं। ये हाई सिलिकन में अवेलेबल है, यहाँ पे ईच एंड एवरी प्रोविजन अवेलेबल है। अगर जो चैनल है उसमें डायरेक्टली लोगो भी सेट कर सकते हैं, सारा कुछ आप इस डिवाइस के जरिए शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क के ऑप्शन में आने के बाद IP वगैरह चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज करना है, कॉन्फ़िगरेशन में आके इसे सेव करना होगा आपको, या रिसेट करना है, या फैक्ट्री रिसेट करना है, या बैकअप लोड करना है, सारा काम यहां से कर सकते हैं। तो होप्स गाइस आपको ये डिवाइस अच्छा लगा हो तो आप इसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।